वालेकुम दोस्तों, आप देख मेरे यूट्यूब चैनल स्टार विलाग। मैं हूं जहांगीर अहमद। दोस्तों बात करते हैं, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था वो तमाम मेरे यूट्यूब फैमिली ने देखा होगा, जो मेरे यूट्यूबर बहन भाई हैं उन्होंने सब ने देखा होगा वो बात। सलमा जासिन, सितारा जासिन जो इस टाइम काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, जितने पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है, टिकटॉक पे है, वहाँ पे ये टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। इनका कहानी वो आप लोगों को पता है होगा, ये कहानी क्या है, उसमें बहुत से मामले हैं। सलमा जासिन, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका छोटा बहन स्टोरी में मुलव्वज़ था, लेकिन काफ़ी अरसे से ये बात जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, लेकिन अगर नैना ने ये हरकत की है किया है, लेकिन नैना तस्लीम भी कर रहा है, लेकिन गंदी हरकत की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग हैं जिनके व्यूवर्स नहीं आ रहे, वो भाई एक नौजवान, मैं आपको बता दूं, हसद हमीद उसका नाम है, वो पेट्रोलियम पंप पे मजदूरी करता था बस 10-12 हज़ार पे, लेकिन आज उसका जाके चैनल का विजिट करके देखो कितने में व्यूज हैं, लाखों रुपये में कमा रहे होंगे। लेकिन जब अल्लाह देता है तो वो नहीं, ये काम वो नहीं देखता, ये कैसे, ये हमारा गलत फहमी है, हम ये करते हैं, हम उसको बदनाम करेंगे तो लोग हमको देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग मुझे भी देखेंगे, उसको देखेंगे, ये गलत काम है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, इन्होंने व्यूज़ हासिल करने के लिए ये टॉपिक नचाया है, लेकिन ये तो सब हकीकत सामने आएगा, आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात वाजे कर दूँ, बातों ही जो मन तो सा वा तो ज़िलो मन तो सा, इज़्ज़त ज़िल्लत रब रब के हाथ में है। यही जो जो किसी को रब मेरा इज़्ज़त देना चाहे वो इज़्ज़त दे सकता है, जिसको ज़िल्लत देना चाहे ज़िल्लत दे सकता है। अगर ये बात नैना ने ऐसा किया है तो फिर इंशाल्लाह वो सब आप लोगों के सामने होगा। और बहुत से चैनल हैं वो रैंक कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लेकिन मेहनत होता है, 2 साल के बाद वायरल हो रहे हैं, 3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, साल के बाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तमाम दोस्तों के साथ दोबारा मिलेंगे। अगर दोस्त कोई मेरे चैनल पे न्यू है, गुजारिश है बेल आइकॉन वाली घंटी को ऑल करो, ताकि हर अच्छे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह।